So, alright guys, this is the time to upgrade from, you know, 10 to 11. Ginti just kar rahe hain abhi do camera se, teen camera mein. जय हो सूर्य देव की, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। सो यस, सूर्य देवता के साथ दिस इज डे 37 एंड टुडे आई हैव रियलाइज समथिंग विच अगेन आई हैव टू अपग्रेड माई सॉफ्टवेयर विथ माई सॉफ्टवेयर मतलब माई लाइफ सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली हमें जो है इधर वॉकिंग स्टार्ट करने में, मैं 6 बजे उठता हूँ तो कभी 30 मिनट लग जाता है, कभी 45 मिनट लग जाता है। तो आज से जो है मतलब आई थिंक मैं 15 मिनट टाइम घटा के देखता हूँ अगले 10-15 दिन तक। ऐसे भी समय तो घटाना ही है, आई हैव टू वेक अप 3:30 AM इन द मॉर्निंग, बट या तो 15 मिनट या तो 30 मिनट्स मैं अपने अलार्म का टाइमिंग घटाऊँगा, बस थोड़ा जल्दी उठूँगा और थोड़ा जल्दी वॉकिंग स्टार्ट करूँगा ताकि हर एक कार्य जो है हमारा वो जल्दी जल्दी हो। और जी हाँ, आज जो है ये सूर्यदेव से मतलब काफ़ी अच्छा कुछ सीखने मिलता है। मेरी ध्यान जो है वो हट गई, मैं यू नो यूजुअली अभी बेसिकली क्या होता है, जैसे सनराइज जब होता है तो एक बिल्डिंग अभी छोटी सी आ रही है सामने में, तो ऐसे 7:30 को यहाँ पर दिखता है, लेकिन उस बिल्डिंग के वजह से 7:37 तक आता है। तो आज बेसिकली 7:37 के जगह 1 मिनट हम लेट हो गए और सूर्यदेव जो है पूरी तरीके से जो है सूर्योदय हो चुका था। तो दिस इज़ द यू नो लेसन फ्रॉम सूर्यदेव की, अगर आप समय का सम्मान नहीं करेंगे तो सूर्यदेव को देखने का आपका कोई हक नहीं। तो बस आई हैव टू मेक फ्यू ऑफ द रूटीन्स इन माई लाइफ एंड यू कैन सी ये पसीने की बूंदें, विच इज़ नाइस। नाउ आई हैव स्टार्टेड यू नो टेकिंग द थोड़ा स्पीड वाला स्टेप, थोड़े से पैर में हालांकि दर्द हो रही है बट इट्स ओके, आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे वैन यू वॉक और वैन यू रन स्लाइटली, दर्द होना ही चाहिए, दैट इज़ लाइक अ नेचुरल थिंग। Anyways, welcome back to our YouTube channel, guys. I hope you are doing absolutely wonders in your life by ignoring negativity and by accepting positivity and by being thankful to Almighty for whatever you have in your life. आज का तारीख है 24 जनवरी 2020, शुक्रवार है, 8:22 एम हो रहा है, एंड द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, इट्स अनहेल्दी एयर क्वालिटी। यस, शर्मिली जी जो है हमें कभी कभी दर्शन देती हैं, तो आज आपने देखा है कि आज सुबह सुबह उनका दर्शन मिला। एंड बस आज से जो है 5:45 AM हो जाएगा उठने का समय, 15 मिनट घटाना है। ऐसे भी कभी कभी क्या होता है ना, जैसे और यस आई हैव टू कीप ऑन सेइंग दिस, यूजुअली व्हाट हैपेंस, ये देखो बालक पालक लोग क्या कर रहे हैं। सो व्हाई आई से आई हैव टू कीप ऑन सेइंग दिस थिंग, क्योंकि अगर आप चीज़ों को बोलेंगे नहीं तो चीज़ जो है वो होगा भी नहीं। एक्चुअली व्हाट्सएप एक ऐसा चीज़ है जो कि सच में टाइम बहुत ज़्यादा किल करता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब आई रियली फील लिटरली नॉट सो गुड व्हेन टाइम इज स्पेंट ऑन व्हाट्सएप, सो आई हैव टू वर्क ऑन दैट, से नो टू व्हाट्सएप। कभी कभी ऐसा हो जाता है यू नो कि कुछ लोगों से बात ऐसा करना पड़ता है व्हाट्सएप से, या ऐसा या कभी किसी भी तरह की कोई चीज़ हो गई, समटाइम्स यू नो स्मॉल कन्वर्सेशन इज सपोज टू बी डन ऑन व्हाट्सएप या ऐसा कुछ, लेकिन वो स्मॉल के वजह से जो है थोड़ा ये बढ़ जाता है और वो लेंदी हो जाता है। आई हैव टू एनी हाउ वर्क ऑन दिस हैंड, से नो टू व्हाट्सएप, न्यू अपग्रेड, एंड ऑल्सो यस वेकिंग अप एटलीस्ट 15 मिनट्स अर्ली है, मुझे 8 बजे तक घर पहुँच जाना है, ऐसा रखना है बना 8 AM तक घर अभी, एंड 8:15, 8:30 तक योगा स्टार्ट, ताकि सारा कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। यो
सो ऑलराइट गाइस, दिस इज, देखिए ये हमारा और हमारे मित्र का जो है धूप दिखाने का टाइम हो गया है। जी हाँ, और यूजुअली पहले लेट हो जाता था धूप दिखाने में। सो देखिए, रोज ये इधर रहते हैं और हम जैसे ही इधर आते हैं ये कदमों के आर्ट को समझ जाते हैं और हमसे पहले वो जगह पर पहुँच कर धूप दिखाना जो है शुरू कर देते हैं। ओके, आ जाओ बेटा, लेट्स कम। सो यस, एंड नाउ फ्यू ऑफ द चेंजेस आर ऑलरेडी डन, विच इज की कल से अब हम 5:30 बजे सुबह उठेंगे और वो रही हमारी चुन चुन को अभी हम लेके भी कहीं जा रहे हैं। उसका पैर अभी तक जो है दर्द ठीक नहीं हुआ है, बाकी सब तो बढ़िया है। एंड आई एम लिसनिंग द सॉन्ग शायद फ्रॉम द मूवी लव आजकल, द न्यू वाला। ओके, और ये देखो हमारे दोस्त इधर बैठ चुके हैं। यस, सो दिस इज बिल्डिंग बॉन्ड विथ समवन हु डोंट स्पीक एंड स्पीक्स ऑल एंड शेयर यू द लव। सो यस, सो लव एवरीवन, स्पेशली लव एनिमल्स, they are like you know the most beautiful creature on earth, and animals kya human beings, sabko samajhne ki koshish kijiye, sabse pyar kijiye, yahi zindagi ka lakshya hona chahiye। aur abhi dhoop dikhate aur milte hain, aur ye jo adbhut aapne dekha nashta, hamari behna jo hai unke nashta khilane ka kya bole, ab 8-10 din ho gaya har din menu badal badal ke, wah 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 wah। so today it was noodles with some fried paneer and all those stuff। so yo, har har mahadev। 10:33 गेम को भी हमारे जिंदगी में योगा प्राणायाम जितना ही इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। हम जितने भी चीज को करें उसको एक जैसा, वही वाली बात हुई, पूरे विश्व से, विश्व के हर एक लोग को अपने परिवार जैसा सम्मान दो, चाहे वो गेम खेलना हो मेरे लिए, चाहे वो गाना गाना हो, उसका उसमें रेस्पेक्ट और इनपुट जो है एक तरीके का होना चाहिए। काफ़ी दिन से जो है नहीं हो पा रहा है कंटिन्यूटी, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई एम डैम श्योर कि डेफिनेटली हर दिन होगा। सो यू एंजॉय अ बिट ऑफ हाउ डू आई प्ले, सो दिस इज मी। सो बेसिकली व्हाट आई एम राइडिंग सुजुकी, एंड मेरा एक ड्रीम है कि मैं सच में रियल लाइफ में भी ऐसा मोटो जीपी रेस करूँ, एंड डेफिनेटली जो भी सोचेंगे वो होगा ही। और आज हमारा कलर जो है, जो मैं कपड़ा पहना हूँ, वो श्रेष्ठा ने डिसाइड किया है। एज यूजुअल एवरी डे का श्रेष्ठा का ही कॉम्बिनेशन रहता है, और आज श्रेष्ठा ने हमें जो है काफ़ी पीसफुल बनाया। थैंक यू श्रेष्ठा। तो अभी जो है एक बंदे आ रहे हैं, टिकोस्ट्रॉन का जो एक डिवाइस है वो थोड़ा उस दिन शॉर्ट सर्किट हो गया था, आप लोगों ने देखा ही, तो बस वही क्या इश्यू है, रिपेयर करना है, एक्सचेंज करना है, वट एवर इट इज, सो विल सी दैट। सॉलरेट गाइज, गेम तो खेला हुआ हो गया लेकिन छोटा सा जो है एक मिस्टेक हो गया। तो बेसिकली जो गेम अपलोड होता है हमारे म्यूजिशियन गेमर 21, यस मेरा एक और चैनल है म्यूजिशियन गेमर 21 क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो, और म्यूजिशियन क्योंकि मैं म्यूजिशियन हूँ एंड गेमर क्योंकि मैं गेमर हूँ। तो गेम खेला हुआ तो हो गया लेकिन एक छोटे से गलती ने, मैं नहीं बोलूँगा लेकिन छोटे से एक सीख के, मतलब एक नया लेसन सीखा कि मैंने शेयर बटन इसमें रहता है जिसके थ्रू आप YouTube या Facebook वगैरह पे जो भी गेम खेलते हैं उसका लिंक या स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। तो मैं एक बार शेयर दबाने के बाद वापस एक आगे बढ़ गया प्रोसीड सेक्शन में, उसके वजह से क्या हुआ कि हमारा जो है वो पूरा जो आज का वीडियो गेम जो रिकॉर्ड हुआ वो जो है वो कहीं दूर चला गया। कोई बात नहीं है, जो चला गया उसके बारे में चिंता नहीं करना, जो है उसके बारे में चिंता करना है, इसी तरीके से ज़िंदगी जीना है। मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन आर लाइफ, यू नो कि मतलब कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं अगर वो हमारे हिसाब से ना हो तो हम यूजुअली क्या करते हैं, पैनिक करते हैं, इरीटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर कोई चीज़ बिगड़ गया है उसके बाद अगर आप चिल्लाएंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ सही नहीं हो सकता है। तो इंस्टेड जब कोई चीज़ आपके हिसाब से ना हो तो उस वक्त आपको और पेशेंसली काम करना है। यानी जब चीज़ें अच्छी हो तब आप नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं, लेकिन जब चीज़ें ना अच्छी हो तो आपको और ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करना है। आई नो दिस इज़ क्वाइट बिट ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क, बट नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, यू नो। मेरे जैसा बंदा जो 12 घंटे सोया करता था अब 6 बजे सुबह उठने लगा है, और अब तो कल से 5:30 बजे, एंड एज आई सेड कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उठना है, जो लक्ष्य साधा है वो होगा ही होगा। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ हो सकता है अगर हम दिल से चाहें। तो बस अभी पीको स्टोन वाले बंदे आ रहे हैं,
पिकोस्टोन यस एज श्रेष्ठा ने भी रिकॉर्ड किया वो क्लिप आपने देख ही लिया, तो ही इज़ ऑन द वे। उस दिन जो शॉर्ट सर्किट हुआ था तो शायद डिवाइस जल गया है या जो कुछ भी है वो पता चल जाएगा। एंड बाकी सब तो बढ़िया है, देखते हैं अभी क्या कैसे होता है। सो ग्रेट गाइस, 12:30 का समय था लेकिन 12:57 हो गया। आप कितने देर पहले आए सर? मैं जस्ट अभी 5-10 मिनट पहले आया। 5-10 मिनट हो गया तो रहीम भाई ऑलरेडी आ गए। तो इसके अंदर हमारा पिकोस्टोन का डिवाइस है जिसके थ्रू मैं अपने फ़ोन से जो है लाइट्स एंड एसी वगैरह कंट्रोल करता हूँ। तो अभी हमारे राव साहब जो इलेक्ट्रिशियन है उन्होंने बताया कि डिवाइस ख़राब हुआ है या जला है, अभी देखते हैं रहीम भाई का क्या फीडबैक आता है। So yeah, he is wearing gloves because he will be opening this all stuff and also yes, let's see kya result aata hai. Kya baat hai, road roller bhi aa chuka hai aur dheere 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 jo hai apna ye chakachak hone wala hai. Nice, very nice, actually very nice. वेरी नाइस, नहीं वेरी 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 नाइस। तो अब कुछ दिन के बाद जो है, लेकिन अब इधर से तो हम निकल जाएंगे, मतलब शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है अब गाड़ी अंदर जा सकती है। लेकिन गाड़ी तो अभी भी अंदर जा सकती है फुटपाथ के थ्रू चला के, बट इट्स ओके। सो 12:47 PM इट इज़, चला जाए। एंड ये समारोह हार्डली जो है वो साफ हो रहा है, वेरी गुड, छका छक। अरे यार, हार्ले का भी सर्विस कराना है बाबा, अद्भुतम सर्विसम। कैसे हो सर? ठीक ठाक सर, चल सबसे ऐसे ही मिलने का, अच्छा सबको बोलने का, सबसे दुआएं, मतलब दुआएं लेने के लिए आप मत कुछ कीजिए, आप बस अपना कर्म कीजिए। अगर आपको दुआएं मिले तो अच्छी बात है, लोग अगर बददुआएं भी दे दें तो भी तकलीफ़ की बात नहीं है, हमें बस दुआएं देने वाली काम करनी है। ओके, यस ओके, सो यस ओके। देख रहे हो इधर उधर ट्रक लगे हुए हैं, बिल्डिंग और रोड, आई थिंक ये रोड के लिए ही है, अलकतरा वगैरह कुछ कुछ तो आ रहा होगा। यस, सो दिस इज ऑल द रोड वर्क इज़ गोइंग ऑन, आई थिंक एक दो दिन में तो अद्भुत हो जाएगा रोड। ये देखो छोटी बच्ची जो है स्कूल जा रही है, चला जाए। सो ऑलराइट गाइस, ऐसा रहता है अपना पिकोस्टोन का छोटा डिवाइस जिसको आप भी अपने घर में लगा सकते हैं रहीम भाई के थ्रू। और मतलब देन यू कैन कंट्रोल ऑल द लाइट्स फ्रॉम एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड जस्ट बाय कंट्रोल थ्रू योर फ़ोन। मतलब आपको फिर बस फ़ोन में इंटरनेट होना चाहिए और जिस जगह में आप ये सेटअप कर रहे हैं फिर सारे लाइट्स, एसीज, फैन सब आप अपने फ़ोन से ऑपरेट कर पाएंगे। सो दिस इज़ द डिवाइस पिकोस्टोन। So all right guys, ये रहे हमारे रहीम भाई। I have been always very happy with the service of PicoStone। सारे लोग काफ़ी actually it is said आप भले तो जग भला, but the thing is कि रहीम भाई कितने humble इंसान हैं और कितने जानकार हैं, और इन्होंने चुटकी में जो है चीज़ों को सही कर दिया। राव साहब से भी हमने अभी इनको बात कराया लेकिन वो थोड़े थोड़ा वो समझ नहीं पा रहे थे बातों को, कह रहे थे अरे आप बदल के जाओ, मैं जो चीज़ों को कर दूंगा। तो सही हो गई है। इन्होंने क्या किया सर, वो डिवाइस दिखाया था बॉक्स, जो अपना बेसिक ही बोलते हैं, बेसिक, इट्स कॉल्ड बेसिक, दिस इज बेसिक। सो पैकिंग ओके, सो ये है बेसिक डिवाइस होता है ऐसे, क्या योर स्विचेस ऑन योर फोन। तो ये वाला चीज़ जो है सर आपने रिप्लेस कर दिया है और चीज़ें सही हो गई। अब मैंने जो है फिलिप्स ह्यू वाला बल्ब घर में लगाया और उसका सिर्फ बल्ब ही नहीं, उसका एक डिवाइस मंगवाया, उसका एक वो भी आता है कंट्रोलर आता है, और उसमें तकरीबन मैंने 12,000-15,000 रुपए लगा दिए। अब ये बता रहे हैं हमें कि सर पिकोस्टोन भी जो है, और वो मैंने क्यों मंगवाया कि बस एलेक्सा को मैं बोलूं और चीजें जो है ऑन ऑफ हो। और पिकोस्टोन को सपोर्टेबल है एलेक्सा एंड गूगल होम पे। अब ये अब पता चल रहा है कि पिकोस्टोन इज नाउ एसेस विद, मतलब कि कर सकते हैं हम इन चीजों को, लेकिन कोई बात नहीं है, कभी हम अभी आपके फोन से इसको ट्राई करने वाले हैं, अभी जस्ट करेंगे भी। और एक एकेडमी में भी एक गूगल होम और एलेक्सा लगा देना, एक्चुअली घर वाला इधर ले आएंगे और कुछ नया खरीद लेंगे। एक्चुअली कर्टन्स का भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये पूरा कर्टन्स भी जो है रिमोट से कंट्रोल होगा, एंड भी कंट्रोल हो सकते हैं कर्टन्स। हां हां, वही ऑटोमेशन से नहीं कर रहा, तो वो पिकोस्टोन बनाता है अभी। यस बिल्कुल,
ऑटोमेशन में ये चीज भी ऐड, क्योंकि प्रोजेक्टर वगैरह लग रहा है तो ऑब्वियसली अंधेरा करने के लिए ऑब्वियसली इधर उधर कौन जाएगा। एंड ऑलवेज आपका प्रोजेक्टर अगर लग रहा है तो हम उसमें एक सीन भी सेट करके दे सकते हैं, आप एक क्लिक एंड एक कमांड एवरीथिंग जस्ट गो ऑन। क्या बात है। Yes. अच्छा मतलब एक एक ही कमांड एंड हां लाइक ओके मतलब टर्न्स डाउन लाइट्स ऑफ लाइट्स ऑफ एंड द प्रोजेक्टर इज ऑन। तो ये रहीम भाई अपना पूरा नाम तो बताइए। माय नेम इज रहीमुद्दीन शेख। तो रहीमुद्दीन शेख साहब इन्होंने मतलब यू नो सच में यही होता है कि ऐसे भी हम लोगों को इंसान से इस तरीके से ही मिलना चाहिए जैसे रहीम भाई और हम जिंदगी भर के लिए भाई हो गए अभी। हर किसी से ऐसे मिलना है कि बस समझ लो कि उनमें ईश्वर है ऐसा देखें, हर किसी में ईश्वर देखें, अल्लाह देखें, राम देखें, रहीम देखें, तो खुद रहीम है। एंड वी आर ब्रदर्स फॉर एवर। थैंक यू सो मच फॉर योर सच अमेजिंग सर्विस सर, आई एम टोटली ऑनर्ड। एंड बस बस क्या अभी तो बोलने लगेंगे तो सुबह हो जाएगा, रहीम भाई को कहीं निकलना है। सो यो तो ये कैसे मेजर कर, मेरे हिसाब से आराम से 15 फीट तो होगा ये। अच्छा मेजर है आपके पास टेप, चले ना तो मैं हेल्प करता हूँ। ठीक है आपको कैसे लगा? अच्छा आप जाएंगे उधर देखते हो सर, तार है नीचे देखना तार। आप एक का मेजरमेंट ले लेंगे ना तो उसी के हिसाब से बाकी कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ अच्छा अपना जो रहता है वो बेसिक 9 फीट तक कंट्रोल करता है। नहीं मेजर टेप है जो 3 मीटर भी आता है 5 मीटर भी आता है। अच्छा ऐसा। अच्छा ये 9 मीटर ओके। कितना हो गया सर? 18 फीट हो गया। ठीक है और आराम से 19 फीट और ये 2 फीट है तो मतलब 20 फीट 21 फीट जा रहा है। 21 फीट का हो गया। ओके हाँ सर। नहीं मैं उनको फीडबैक दूंगा, आप बॉस को बोलिए आपके जो बॉस हैं और उनका टीम जो है काफी अच्छा काम कर रहा है। कस्टमर का सर्विस सर बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये पिकोस्टोन को ये आर्ट है सर। वो तो है। तो मतलब एक होता है कि बीच से ऐसा खुले आपको अगर मतलब हाफ ऑफ चाहिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? ठीक है तो उसमें मोटर अलग अलग रहेगा क्या? उसमें कितना एक मोटर में तो 2 में हो जाएगा उसमें, और ऐसे अगर करेंगे तो एक ही मोटर में हो जाएगा ऐसे चल चल के उधर तक जाएंगे। अच्छा नाइस। तो अपने पास और 2 में करेंगे तो ऐसा ठीक है। आप मोटर का मुझे कोटेशन और सारा कुछ दीजिए और इसका भी जो कि ये बदलना ना पड़े क्योंकि सर वो एक टास्क हो जाता है ऐसा चढ़ के उधर बैटरी बदलो तो समझ रहे हैं। ठीक है सर चलो बाय बाय। सो ऑलराइट गाइस ये जो है सेटअप अपना हो गया है, जो डिवाइस में इशू था वो जो है रिजॉल्व हो गया। अब बस रॉ साहब आएंगे और इधर जो है ये वाला लाइट नहीं चल रहा है, इसमें उसका कुछ बदलना था वो सारी चीज़ें जो है वो करके देंगे। एंड बेसिकली इसमें जो है पुराने ज़माने का लाइट लगा हुआ है तो इसको मुझे LED में कन्वर्ट करना है। तो तकरीबन 2, 4, 6, 8, 9, 10 LEDs हमें चाहिए होंगे, कुछ 1,600 से 1,000 के बीच में आता है। ये अपग्रेडेशन से थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम जो है वो कम होगा। एंड अनदर थिंग कि यस एलेक्सा से अब मैं बोल के लाइट को जो है ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अभी फ़ोन खोल के ऐप करना पड़ता था, यहाँ पे बस क्लास में एलेक्सा आ जाएगा, घर वाला इधर ले आएंगे और नया ले लेंगे। एंड सो आई कैन जस्ट से एलेक्सा टर्न ऑन यू नो लाइट्स, सारे लाइट्स जो है वो ऑन हो जाएंगे। अद्भुत, वेरी नाइस। यू नो आई एम वेरी मच गैजेट फ्रीक तो हमें अच्छा लग रहा है। और आपने देखा है कि यस कर्टेन जो है इधर सेटअप हो जाएगा, प्रोजेक्टर लग रहा है, तो ये एक छोटा छोटा अपग्रेड होना चाहिए। एंड यस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मैं कॉल कर रहा हूँ उसके बाद मिलता हूँ। भी सरप्राइज तो नहीं है, क्या सिंपल सी चीज़ है ये देखो।
ये अपना iPhone 11 Pro Max Midnight Green 512 GB आके पड़ा हुआ है, बस अनबॉक्स करना है और इस फ़ोन की जगह अब वो यूज़ होगा। अब मैं कॉल करता हूँ और फिर मिलता हूँ, घर भी जाना है खाना खाने के लिए। चेक करते हैं कि खाना खाने के प्रोसेस में कितना वक्त लगता है। 2:30 बज रहा है, निकल रहा है, बात करके सो ऑलराइट गाइस, घर आ गए, खाना खा लिए। यार ये खिचड़ी जो था, बैंगन का जो चोखा था और जो धनिया पत्ती की जो चटनी थी और जो ये अद्भुत सा आलू का चोखा था, क्या बताएं। और माता जी इतना अद्भुत, ये खिचड़ी का याद जो है हमारा बचपन से जुड़ा हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले मम्मी को बोला कि जैसे गोभी आलू मटर वटर ये सब दे के जो बनता था वैसा खिचड़ी बनाया जाए, एंड ट्रस्ट मी दिस खिचड़ी इज़ सो अल्टीमेट। ड्यू टू कर्मम धर्मम साथ में नहीं खा पाए, नहीं तो ऐसा खिचड़ी मम्मी और दीदी के साथ खाने में तो 4 गुना ज़्यादा आनंद। एंड जी हाँ, अब जो है, पहले जो है मतलब ऑब्वियसली पीको स्टोन वॉज नॉट इनेबल्ड विथ एलेक्सा, लेकिन अभी जो है एलेक्सा के साथ जो है इनेबल हो चुका है पीको स्टोन, तो अब मैं अपने पंखे को भी जो है बोल के ऑन कर सकता हूँ। एलेक्सा टर्न ऑन फैन। ये पंखा चलने लगा सर, और इधर चुनचुन है वो कुछ तो देख रही है। और नहीं, जो लाइट ऑन के लिए बोला, घर का लाइट ऑन हुआ है ना वो ड्रेसिंग वाला। हाँ, तो जब वो सेटअप हो रहा था तो वहां से घर का भी हो रहा था, तो यस दिस थिंग कैन बी यू नो मैनेज्ड फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड। अब मैं यहाँ के एलेक्सा और ओके गूगल को जो है ले जाऊंगा घर, घर बोल रहा एकेडमी ले जाऊंगा और घर में जो और घर के लिए जो है नया मतलब अपग्रेडेड वाला एलेक्सा और ये बन जाएगा। नहीं, ये हम लोगों के साथ ही रहेगी, इसके बिना रहना मुश्किल है। अरे रहेंगे, एलेक्सा ही रहेंगे, वो स्क्रीन वाला चल गया। हाँ, सो और ये रही चुनचुन, देखते हम जितने भी कुछ को पहनते हैं ये सारा चीज सब इन्हीं का है। और ये लोग मस्त मिलके कुछ मिर्ची वगैरह बनाई है, मिर्ची के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। श्रेष्ठा कुछ एक्सप्लेन करेगी, मम्मी जो है बता रही थी श्रेष्ठा अभी की काफ़ी ज़्यादा मिर्ची वगैरह को बनाने में जो है हाथ जो है लहर रहा है, इतना ज़्यादा कठिन होता है कोई भी चीज़ के अंजाम तक पहुँचना। एक करेली वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, करेली, हाँ एक भरवा करेली हम लोग बोलते हैं उसमें, तो लिटरली धागे से सिल के भी कुछ किया जाता है। हम लोग धागे से नहीं सिलते, अच्छा लेकिन सिला जाता है ना, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, तो भरवा करेली में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ होता है। एंड मतलब हमारे माता जी के पास और हम लोग का बिहार ट्रेडिशन में इतना ज़्यादा अद्भुत सब डिश है कि आई थिंक आई कैन ऑल्सो डिस्कस दिस इन द व्लॉग के मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास मतलब खाने के लिए अद्भुत। और पूरे इंडिया का बात करें तो फिर बात ही छोड़ दो। सो अभी भागा जाए, ऑलरेडी 2% आ रहे हैं, सो लेट्स गो। दिखाइए एक बार वो सर्टिफिकेट। हाँ हाँ यही है ना। तो क्लास में जो है आयुष को नींद आ रही है, सीमा जी ने उपाय ढूंढा है, स्प्रे मार रही है, और इसके बाद क्या करना है, बाल काटना। कैसे बेटा, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 6:30 PM इट इज। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज द टाइम टू अपग्रेड फ्रॉम यू नो 10 टू 11। गिनती जस्ट कर रहे हैं अभी, 2 कैमरे से 3 कैमरे में, थोड़े छोटे फ़ोन से थोड़े बड़े फ़ोन में, तो इसका सारा डेटा इसमें, और ये चला जाएगा हमारी माता जी के पास। सो दिस विल बी अ गिफ्ट टू मॉम, और गिफ्ट ये तो मम्मी का ही है, हमारे हम ही उनके हैं, तो मेरा जो भी है सब माता जी का है। तो माता जी ये आपका दोनों है, आपको जो भी पसंद आप रखो। दिल से बोलूँ तो ये सिर्फ कह रहा हूँ, मम्मी को ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। किशोर जी को तो हमने मतलब जबरदस्ती बिठा के रखा सर, आप
सर आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? माय एक्सपीरियंस विद सर इज वेरी नाइस, ही गोज इन द डिटेल्स एंड मेक श्योर दैट आई गेट द थिंग्स डन, अदरवाइज यूजुअली इनका सोने का समय है यहाँ बराबर 11 बजे हमने बोला कि नहीं जड़ जो है वो जड़ चेतन होना चाहिए और जड़ से जो है मतलब पूरा मजबूत होना चाहिए। बाय द वे चेतन का मतलब क्या होता है? चेतना हाँ तो उधर यमुना जी रही एंड बाय द वे यस हियर इट गोज द 11 प्रो मैक्स बस यमुना जी अभी हमें क्या बोल रही थी इनका जरा सुख अभी ये हमें बोल रही थी कि भाई तुम 140,000 फोन के लिए खर्च कर रहे हो और वो भी सोचो कि एक साल में बदल दोगे और बताइए और रोशनी बात है और फिर क्या बताइए कि हम गए थे दूध खरीदने ओबराय मॉल फिर बोले क्या कि 180,000 का घड़ी खरीद क्या कौन सा ब्रांड हाँ लेकिन हाँ आई अग्री विद दैट ऑन यू कि यू आर नॉट चेंजिंग हाँ या यू डोंट चेंज वॉचेस फ्रीक्वेंटली द वे यू चेंज एनीबॉडी बेसिकली दिस इज फैक्ट सो आई अग्री विद यमुना जी और ये जो है उधर कुछ तो पढ़ाई नहीं पढ़ लो अरे कल एग्जाम लिखो कौन रहते हैं हमारे अलावा इसके अलावा यही बजाना है इतने रात में तो कोई नहीं रहता चलो सी यू चलो भाई प्रतीत मजा आ रहा है एकदम बढ़िया बहुत और छुट्टी 26 जनवरी के दिन नहीं लेना है यमुना जी 15 मिनट के लिए भी आना है नो डांडी ठीक है चलिए चलिए बाय 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 सो ऑलराइट गाइस 11:07 PM हो रहा है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट इज तो यमुना जी को मैं घर ड्रॉप करने आया एक्चुअली 3-4 दिन से आई एम नोटिसिंग कि यमुना जी इज़ नॉट तो हमें ऐसा लगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद हर तो अभी उन्होंने बताया कि सम ऑफिस वर्क स्ट्रेस है और दिस इज़ द थिंग गाइस आपके ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं उनसे जो है आप एटलीस्ट पूछें एटीट्यूड में ना रहें एंड जस्ट यू नो शेयर हैप्पीनेस एंड जितना हो सके लोगों को खुशी बांटिए एंड प्यार बांटिए बस मैं और क्या बोलूँ लोगों को अपने ओर से जितना हो पाए मदद कीजिए एंड बाकी सब तो बढ़िया है क्या सिग्नल क्रॉस करना चाहिए क्या बाबा नहीं करना चाहिए तो आई थिंक यस गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट इज़ इट्स अनहेल्दी 11:08 PM हो रहा है सो यस गाइस दैट वाज ऑल फॉर दिस ब्लॉग तब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस इग्नोर नेगेटिविटी एक्सेप्ट पॉजिटिविटी Be thankful to Almighty for whatever you have in your life. Have a dream, keep on chasing it, keep on questioning yourself कि जो कुछ भी आपको आपके ज़िंदगी में चाहिए क्या आप उस चीज़ को सच में पाने के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं यस या नो अगर नहीं कर रहे तो कीजिए और अगर आप कर रहे हैं तो समझ जाइए आप हर रोज़ सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं और जहाँ तक भी आप खुद को देखना चाह रहे हैं कि आप उस जगह तक पहुँचने के लिए आज सच में डिजर्विंग है keep on questioning this question to yourself because this question will let you understand your existence and Yes, will motivate you to work more hard. So yes, guys, अगर आप deserving नहीं हैं, तो work hard like hell and turn into the deserving person. Trust me, the day you will be turning a deserving person. What will truly give you whatever you will be deserving for? क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हम सच में deserve करते हैं. ना ही उससे ज़्यादा, ना ही उससे कम. तो बस खुद को जो है योग्य बनाइए, मेहनत कीजिए, खुशियाँ बांटिए, प्यार बांटिए, बुरे लोग, बुरे सोच से दूरी बनाइए, अपने अंदर की बुराइयों से लड़िए. खुद को एक बेहतर इंसान बनाते रहिए, पूरे ब्रह्मांड से प्यार कीजिए, सृष्टि में हर एक चीज़ों से प्यार कीजिए एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग एंड इन हैशटैग शांडिलिया लाइव टाटा. रोशन आ जाओ आप किधर इधर ही थे आई तो यस ऐसे दो इंक्वायरीज आके पड़े हुए हैं सो यू आर बैक टू वर्क. जय हो सूर्य देव की.